हाय, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग नॉलेज मॉड्यूलेशन। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और हम इस वीडियो में 5 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपको आपके करियर बनाने के लिए बहुत ही काम आ जाएगा। आपको अगर पता नहीं है कि आपको अपना करियर किस फील्ड में बनाना है या फिर 5 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इफ़ यू वांट टू गो टू द न्यू टेक्नोलॉजीज, सो व्हाट आर दिस टेक्नोलॉजीज, ये सब बातें हम लोग इस वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर ये सब इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए, बिल्डअप बनाने के लिए हेल्प चाहिए, तो ये वीडियो एंड तक देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहले देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम बोलते हैं AI। AI is one part of what we refer to broadly as automation, and automation is a hot topic because potential job loss. Experts say automation will eliminate 73 million more jobs by 2030. However, automation is creating jobs as well as eliminating them, especially in the field of AI. This field includes development, programming, testing, support, and maintenance. To name a few, artificial intelligence architects is one such job. Some say it will soon rival data scientists in need for skilled professionals. हम लोग अभी देख रहे हैं कि हर एक होम में होम ऑटोमेशन हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, तो फिर आप अगर एग्जांपल देना रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका फ़ैन चलता है, लाइट्स चलते हैं, या फिर डोर लॉक सिस्टम, ये सब जो बातें हैं वो AI में आ जाता है। अभी हम लोग अगर देखेंगे तो ये सब चीज़ों के लिए डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, जो कि हर एक आदमी अपना पूरा होम ऑटोमेशन कराना चाहता है। तो फिर इसी हालत में AI का स्कोप भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जो भी प्रोग्रामर्स है, जो भी कंप्यूटर साइंस जिनका फील्ड है, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन फील्ड, ये सब जो फील्ड्स है, इसमें हम लोग IT का भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो फिर ये सब फील्ड्स के जो भी कोई स्टूडेंट है वो इसमें जाके करियर बना सकते हैं। इसके बाद आता है मशीन लर्निंग। एक्चुअली AI और मशीन लर्निंग दोनों ही सेम फेज़ में काउंट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको सेपरेटली डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल आगे जाके हम लोग AI सेपरेट वर्क करेंगे, AI फील्ड में सेपरेटली वर्क करते हैं और ML फील्ड में सेपरेटली वर्क करते हैं। तो सेम मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है, सेम कॉन्सेप्ट है दोनों साइड में भी। मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस आर यूज्ड फॉर डेटा एनालिटिक्स, डेटा माइनिंग एंड पैटर्न रिकॉग्निशन। वन ऑफ द कंज्यूमर एंड मशीन लर्निंग पावर्स वेब सर्च रिजल्ट्स, रियल टाइम एड्स एंड नेटवर्क इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन, टू नेम ओनली अ फ्यू ऑफ द मेनी टास्क इट कैन डू। अभी आपको एग्जाम्पल देना रहेगा तो आप सिंपली अमेजोन का एलेक्सा ले सकते हो, जिसमें आप कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर उसको देते हो तो वो उस पर रिएक्ट करके आपको एक रिजल्ट बना देता है। एग्जांपल में आप अगर गाना चाहते हो, कोई सॉन्ग्स सुनना चाहते हो, तो सिंपली उसको बोल दो, एलेक्सा आई वांट टू प्ले दिस सॉन्ग्स, एंड इमीडिएटली एलेक्सा विल प्ले सिमिलर सॉन्ग्स। सो एलेक्सा को एक डेटाबेस दिया जाता है कि बैकएंड में एक डेटाबेस से कनेक्ट किया जाता है कि अगर आपको ये कमांड मिले तो आपको क्या कमांड एग्जीक्यूट कराना है, कौन सा गाना प्ले कराना है। सो इसमें सब एक डेटाबेस कलेक्ट करना रहता है, और ये भी पॉसिबल है कि अलग अलग रीजन से लोग उसको कमांड देगी, ना कि ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। सपोज आई वॉन्ट टू से एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग्स, somebody says Alexa a song play करो, someone says Alexa hey song play कर। so Alexa needs to understand all these languages, and that's why Alexa has to build one database in his backend, then only Alexa can play various songs. so it all includes in machine learning. so अगर आपको machine learning में भी जाना है तो भी आपको एक developer programmer रहना चाहिए, आपका backend जो है वो languages का backend रहना चाहिए, computer science का backend रहना चाहिए। साथ ही साथ आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा बहुत नॉलेज रहता है तो ये आपका एडवांटेजेस बन जाता है। अगर हम लोग जॉब रिसर्च करने की जो साइट्स है, लिंक्डइन वगैरह, तो इसको भी रिसर्च करें तो मशीन लर्निंग जॉब्स रैंक्स अमंगस्ट द टॉप इमर्जिंग जॉब्स ऑन लिंक्डइन विद ऑलमोस्ट 2000 जॉब्स लिस्टिंग पोस्टेड, एंड दिस जॉब्स पे वेल इन 2017। एंड अगर आप अभी का देखोगे तो इससे ज़्यादा जो रिक्रूटमेंट है वो ML में हो रही है, इसमें इंजीनियर्स, डेवलपर, रिसर्चर्स एंड डेटा साइंटिस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा मांगे। और इसको अगर हम डॉलर्स में इसकी सैलरीज देखें तो 106,225 यहाँ तक की इसकी सैलरी जाती है, वाले कि ये फ्रेशर्स की सैलरी नहीं है, ये एक्सपीरियंस्ड की सैलरी है। इसके बाद आता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन और RPA। लाइक AI एंड मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन और RPA इज अनदर टेक्नोलॉजी दैट इज ऑटोमेटिंग जॉब्स। RPA इज द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर एंड ऑटोमेट बिजनेस प्रोसेस सच एज इंटरप्रेटिंग एप्लीकेशंस, प्रोसेस ट्रांजेक्शंस, डीलिंग विद डेटा एंड इवन रिप्लाइंग टू ईमेल्स। अभी आपको बहुत सारे सिस्टम जो है, जो कि अभी आप किसी बैंक में जाओगे या फिर कोई सॉफ्टवेयर कंपनीज रहेगी या फिर कोई और कंपनी रहेगी, जो अपना काम जो है वो ऑटोमेट कराने पर लगे रहते हैं। सपोज़ आप कोई बैंक से मैसेज पाने के लिए कोई एक फ्री टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हो तो आपको इमिडिएटली एक रिप्लाई आ जाता है,
कि आपका बैलेंस दिस 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 है। तो फिर ये जो प्रोसेस है वो सब प्रोसेस जो आता है वो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के अंडर आता है। तो फिर ये सब चीज़ें करने के लिए भी भले कि ये सब काम जो पहले कोई पर्सन्स करते थे उनकी जगह अभी ये ऑटोमेशन ने ली है। तो एक तरफ से वहाँ पे जो फिजिकली लोग काम करते थे उनका काम कम हो गया, और यहाँ पे आपका जो ये सब ऑटोमेशन का मशीन है जो स्क्रिप्टिंग है ये बनाने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मैन पावर लगता है, और इसमें भी आपको आपका करियर बनाने का बहुत ज़्यादा स्कोप है। एक वेबसाइट देखेंगे आप simplyhired.com से, द एवरेज RPA सैलरी इज 73,861 डॉलर, बट दैट इज द एवरेज कंपाइल्ड फ्रॉम सैलरीज फॉर जूनियर लेवल डेवलपर्स। सो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें आपको कितनी ग्रोथ है। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो नंबर 4 पे आता है एज कंप्यूटिंग। आपको पता ही रहेगा AWS और Amazon, AWS यानी कि Amazon वेब सर्विसेज और Microsoft Azure जो कि Google का सर्विसेज है, Microsoft का सर्विसेज है, तो ये सब अपना क्लाउड लेके आए हैं मार्केट में। और सभी कंपनीज जो है ये अभी अपना फिजिकल सर्वर छोड़ के जो क्लाउड पे माइग्रेट हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप फिजिकल सर्वर मेंटेनेंस का कॉस्ट देखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा आता है, उससे बहुत ही ज़्यादा कम कॉस्ट में आप सर्वर्स जो है वो हायर कर सकते हैं या फिर रेंट पे ले सकते हो ये AWS या अजर से। सो एज द क्वांटिटी ऑफ डेटा वी आर डीलिंग विद कंटिन्यूस टू इंक्रीज, वी आर रियलाइज द शॉर्टकमिंग ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन सम सिचुएशन। एज कंप्यूटिंग इज डिजाइन टू हेल्प सॉल्व सम ऑफ दोज प्रॉब्लम्स एज अ वे टू बाईपास द लेटेंसी कॉस्ट बाय क्लाउड कंप्यूटिंग एंड गेटिंग डेटा टू डेटा सेंटर्स फॉर प्रोसेसिंग। एज कंप्यूटिंग ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी आपको बताया कि हर एक पर्सन जो है अपना डेटा जो क्लाउड पे माइग्रेट कर रहा है। क्लाउड यानी कि कोई हवा में तो सर्वर्स नहीं बना सकता, वो भी एक फिजिकल लोकेशन है, लेकिन वो कोई और मेंटेन कर रहा है, आपका डेटा किसी और लोकेशन पे जा रहा है, तो उसके लिए भी उनको प्रॉपर स्पेस लगता है। तो ये सब डेटा बहुत ही ज़्यादा है, और पूरे दिन दुनिया का डेटा अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये बहुत ही ज़्यादा है। तो इसको कम कैसे करें, कॉम्प्रेस करके या फिर कैसे शॉर्टन करके कैसे रखें, तो ये सब टेक्निक्स आती है एज कंप्यूटिंग में, तो इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हो। फॉर दिस रीजन एज कंप्यूटिंग कैन बी यूज्ड प्रोसेस टाइम सेंसिटिव डेटा इन रिमोट लोकेशंस विद लिमिटेड और नो कनेक्टिविटी टू अ सेंट्रलाइज्ड लोकेशन। इन दो सिचुएशन एज कंप्यूटिंग कैन एक्ट लाइक मिनी डेटा सेंटर्स। एज कंप्यूटिंग विल इंक्रीज एज यूज ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT डिवाइसेस इंक्रीजेस, दिस विल क्रिएट वेरियस जॉब्स प्राइमरली फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। अभी हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया एज IoT का कि हर एक होम अप्लायंसेस में या फिर जैसे ML में एक डेटाबेस क्रिएट होता है, तो ऐसे हर एक होम ऑटोमेशन के लिए अलग अलग डेटा बनेगा और ये सब डेटा बैकएंड में जाएगा। तो फिर ये सब जो भी डेटा एक्सेस करने के लिए या फिर वेरियस लोकेशन से एक्सेस करने के लिए आपको इंटरनेट की या फिर डेटास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सब चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए ये मेंटेन करने के लिए एज कंप्यूटिंग बहुत ही यूज़ होता है, और इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसके बाद फिफ्थ नंबर पर आता है वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी हैज़ प्राइमरली बीन यूज्ड फॉर गेमिंग दिस फॉर, इट हैज़ ऑल्सो बीन यूज फॉर ट्रेनिंग एज विथ वर्चुअल शिप सिमुलेशन सॉफ्टवेयर यूज टू ट्रेन US नेवी आर्मी एंड कोस्ट गार्ड शिप कैप्टन्स। द पॉपुलर पोकेमॉन गो इज एन एग्जाम्पल ऑफ AR। सो AR और VR जो है ये सब हम गेम में यूज करते हैं, या फिर कोई लाइव गेम्स या फिर हम लोग जैसे बोलते हैं कि डेमो दिखाने के लिए या फिर जो कुछ भी विजुअल डेमोज रहते हैं, तो ये सब दिखाने के लिए किसी को सिखाने के लिए ये सब चीज़ों का यूज़ होता है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कोप है। इसके लिए आपको चाहिए क्या कि बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स एंड फॉरवर्ड थिंकिंग माइंड कैन लैंड अ जॉब, क्योंकि इसमें जो कुछ आपको आगे वाले पर्सन को सिखाना है, दिखाना है, उसे करवाना है, ये सब चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। तो फिर यही बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्रिएटिव रहना चाहिए इसमें। और एक चीज़ है कि सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर इंजीनियर्स भी है जो नेटवर्क या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से है, उनको भी बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। इसके बाद आता है ब्लॉकचेन। इन द सिंपलेस्ट ऑफ टर्म ब्लॉकचेन कैन बी डिस्क्राइब एज द डेटा यू कैन ओनली ऐड टू नॉट टेक अवे फ्रॉम द चार्ज, हेंस द टर्म चेन, बिकॉज यू आर मेकिंग अ चेन ऑफ डेटा, नॉट बीइंग एबल टू चेंज द प्रीवियस ब्लॉक्स इज व्हाट मेक्स इट सो सिक्योर। इन एडिशन ब्लॉकचेन्स आर कंसेंसिव ड्रिवन, सो नो वन एंटिटी कैन टेक कंट्रोल ऑफ द डेटा। विद ब्लॉकचेन यू डोंट नीड टू ट्रस्ट थर्ड पार्टी टू ऑब्जर्व अ वैलिडेट ट्रांजेक्शंस। कई लोगों का ये कहना है कि ब्लॉकचेन यानी कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ही है या फिर बिटकॉइन से, तो ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन्स जो है वो क्रिप्टो करेंसी के टाइप में ही आता है, और इसमें भी आपको अगर करियर बनाना है तो बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। और इसी फील्ड में भी जो कि प्रोग्रामर्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, उसके लिए सबसे ज़्यादा स्कोप है। ब्लॉकचेन्स के लिए डेवलपर्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो फिर ये एक
डेवलपर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है ब्लॉकचेन में अपना करियर बनाने के लिए। इसके बाद आता है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मेनी थिंग्स आर नॉट बींग बिल्ट विथ वाई फाई कनेक्टिविटी, मीनिंग दे कैन बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड टू ईच अदर, हेंस दे आर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे कि हम लोग होम ऑटोमेशन बोला, एलेक्सा बोला, तो ये सब चीज़ें जो है ऐसी इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो IoT में आते हैं, जो कि कोई भी ऑटोमेशन वाली चीज़ आती है तो ये सब IoT में आता है। तो एज अ नंबर ऑफ होम अप्लायंसेस आर इंक्रीजिंग एंड एवरीबडी वॉन्ट्स टू मेक ऑटोमेशन टू सिंप्लीफाई देअर वर्क, सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी, सो यू कैन मेक करियर इन दिस फील्ड ऑल्सो। सो स्किल्स नीडेड इंक्लूडेड IoT सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग नॉलेज, डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमेशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्बेडेड सिस्टम डिवाइस नॉलेज एंड मीनी अदर, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू मेक करियर इन IoT आपको एक डेवलपर रहना होना चाहिए, आपको डेवलपर के स्किल्स रहने चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग नॉलेजेस आने चाहिए, उसके बाद आपको हार्डवेयर का भी नॉलेज रहना चाहिए, क्योंकि आप कोई प्रोग्राम इंटीग्रेट कर रहे हो तो वो हार्डवेयर के साथ कॉम्पेटेबल है कि नहीं, ये भी आपको बात जाननी चाहिए। तो ये जो नए टेक्नोलॉजीज है IoT जैसे, तो इसमें आपको ऑलराउंडर रहना चाहिए, आपको सभी टेक्नोलॉजी अगर आती है तो आप इसमें अपना करियर बहुत ही इजीली बना सकते हो और आपका स्कोप इसमें आगे बढ़ने का बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। अभी लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे साइबर सिक्योरिटी। अभी हमने 1 से 7 तक जितने भी पॉइंट्स देखे वो सब इंटरनेट से रिलेटेड है, या फिर कोई ना कोई तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जैसे कि इंटरनेट और ऑटोमेशन के। तो इसमें चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि कोई हैकर आपके सिस्टम को हैक करे। तो ये साइबर सिक्योरिटी, इसको हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी नहीं कह सकते क्योंकि ये पहले से ही चलते आ रहा है, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो। और ये चीज़ ऐसी है कि यहाँ पे कभी भी आपको ये ऐसा नहीं सुनने को मिलेगा कि साइबर सिक्योरिटी का डिमांड कम हो रहा है ऐसा, क्योंकि जितना भी अभी का मार्केट ग्रो हो रहा है वो सब इंटरनेट पर हो रहा है, और इसको सिक्योर बनाने के लिए, आपका एक सिस्टम एक प्रोटेक्टेड रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत रहती है, क्योंकि हैकर्स अभी आपने सुना ही रहेगा 2-3 साल से रैंसमवेयर का अटैक हो रहा था, जो कि आपके फाइल्स लॉक कर देगा, आपसे पैसों की डिमांड करते रहेगा और आपको आपका फाइल वापस मिलेगा कि नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं रहती। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि आपका होम ऑटोमेशन अगर आप यूज़ कर रहे हो, आपने कोई अपना प्राइवेट सर्वर्स यूज़ किया है, तो फिर इसमें सब आपका प्रोटेक्टिव डेटा रहता है, सिक्योर डेटा सिक्योर रहना चाहिए। तो ये सब बातें को ध्यान में रखते हुए साइबर सिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो। साइबर सिटी में बेसिकली आपको अगर लिनक्स आता है या फिर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन जैसा आता है तो ये बेनिफिशियल है, और नेटवर्किंग का भी थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप अपना करियर साइबर सिक्योरिटी में बना सकते हो। एज प्रूफ ऑफ द स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, द नंबर ऑफ साइबर सिक्योरिटी जॉब्स इज ग्रोइंग 3 times फास्टर दैन अदर टेक्निकल जॉब्स। हाउएवर वी आर फॉलिंग शॉर्ट व्हेन इट कम्स टू फिलिंग दोज जॉब्स। एज अ रिजल्ट इट्स प्रेडिक्टेड दैट वी विल हैव 3.5 मिलियन अनफिल्ड साइबर सिक्योरिटी जॉब्स बाई 2012। तो इससे आपको अंदाजा आ सकता है कि अभी इन फ्यूचर्स ये मार्केट जितना ग्रो हो रहा है, जितना भी इंटरनेट का यूज़ ग्रो हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की या फिर साइबर सिक्योरिटी में जॉब करने वालों की उतनी ही कमी महसूस हो रही है। और आगे जाके आप अपना करियर अगर इसमें बनाते हो तो आपको जॉब मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, लेकिन अनलेस एंड अनटिल आप ये सब रिक्वायरमेंट्स है जो कि इसका नॉलेज स्किल्स है जो फुलफिल कर सके। तो एट द एंड हम लोग यही कह सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, जो कि नेटवर्क से रिलेटेड रहते हैं, तो उनको एक अच्छा चांस है अभी अपना करियर ग्रो कराने के लिए। इससे भी आगे हम आपको कोई अदर फील्ड्स रहेगी, या फिर जैसे कि मैकेनिकल, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो फील्ड में भी आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं, ये सब बातें हम आपको बताएंगे आगे चल के। आगे वाली वीडियोस में हम ये सब बातें इंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए अगर आप वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने नॉलेज मॉड्यूलेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नॉलेज मॉड्यूलेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वीडियो आपने एंड तक देखा इसलिए थैंक यू।